मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि मुस्लिम घरारी के मामले को आप गंभीरता से लें। क्या सब कुछ समाप्त हो गया, फिनिश्ड हो गया कानून, जिसे मन आएगा वीडियो वायरल करेगा और वो लोग समाज में रहेंगे? कौन आजादी दिया ऐसे लोगों को? कानून के रहते, संविधान और सरकार को रहते कि हम फैसला करें, तब तो सबसे पहला फैसला पदाधिकारी, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और पूंजीपतियों की होनी चाहिए। क्या घटना माफी योग्य नहीं है? और बिहार में इसकी प्रचलन बढ़ रही है। हम समाज के प्रबुद्ध लोगों को इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। हम आएंगे, हमसे क्यों नहीं लड़ते हो? आदमी को मारने वाले, आदमी को गिद्ध की तरह लूटने वाले इस देश की संस्कृति और लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करने वाले, बेटियों और मां बहनों का सौदा करने वाले, वो जानवर के नाम पर इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। कानून के द्वारा ऐसे लोगों को बहुत दुखद घटना, हमें झकझोर दिया है इस राम रहीम जैसे नरभक्षी को जेट प्लस देने से। मन नहीं करता कोई पुल शासन प्रशासन की सुरक्षा लेके चला जाए। और ये मोमलन सिंह जो घटना घटी है मुस्लिम घरारी, हम आएंगे कल और देखेंगे इन मोमलन सिंह गढ़ वाले को कितनी औकात और ताकत। प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं, नीतीश जी न्याय करिए उस परिवार के साथ, उस बच्चों के साथ। और सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह है कि सो मोटो नोटिस लें और ऐसे लोगों को काल कोठरी में होना चाहिए। आप निर्णय दें, अन्यथा कानून और संविधान और न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा सबका। धन्यवाद।